अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सदीक। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं मौजूद हूं बिजनेस क्लब लाहौर सेंटर में। आज हमारे साथ एक भाई मौजूद है, कौरपुर से है। क्या नाम है सर आपका? तारक जवेद भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई। कैसे हैं आप? ये हमारे साथ आए हैं आज लाहौर सेंटर में बहावलपुर। सर आप क्या कर रहे हैं? मैं इधर साबुन बनाने का, साबुन का ये दिखाया जी, इधर इस साबुन का ये सेटअप सीखने आया हमारे साथ। साबुन में कैसे बनता है साथ साथ आप भी वीडियो में देखना। जैसे ये नूडल है, हमने मोटी चली निकाल कर नूडल निकाले थे। ये आपने इस तरह डाल देना मशीनरी के अंदर इस तरह आप डाल दें। हमने जाली लगाई हुई है, बारीक जाली लगाई है, ये वाली बारीक जाली। और ये आप सेवियाँ बन के बाहर निकल रही है, सेवियाँ खाने वाली सेवियाँ जी, साबुन वाली सेवियाँ ये। इसके बाद हम मुकम्मल सेटअप दिखाएंगे कि आप साबुन बनता कैसे इस वीडियो के अंदर। आप आज से पहले आपने साबुन बनता हुआ देखा नहीं? नहीं देखा। आज आप क्या फील कर रहे हैं? आपके सामने आज साबुन बना के दिखाया जा रहा है, अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या आपसे कोई फीस वगैरह ली गई है? नहीं, कोई फीस। आपके सामने कोई फीस नहीं ली गई। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, साबुन बनाना सीखना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं लाहौर सेंटर में। आप आए, लाहौर सेंटर का एड्रेस है शेषा कलोनी रायवेड रोड लाहौर पर। आप यहाँ पर हम आकर आपसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको भी बनाना सिखाएंगे, साबुन बनता कैसे है। यहाँ पर कोई फीस नहीं ली गई, आपके सामने भाई ने बताया है, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली गई। सिर्फ मकसद ये है आप बिजनेस करें, पाकिस्तान तरक्की करें। इंशाल्लाह यहाँ पर दिखाएँ, जैसे यहाँ पर सरफ की मशीनरियाँ पड़ी हैं। ये देखो, ये सरफ का जैसे ग्रेडर है, इसके अलावा ये साबुन का पंच है, ये सरफ, ये देखिए साबुन का ये पंच है, हाथ वाला पंच है। इस तरह हाथ इस तरह इसको करते हैं और ये इस तरह साबुन पंच हो जाती है। और इसी तरीके से ये पाँव वाला पंच है सर, ये पाँव वाला पंच है। इस तरीके से ये है, इसका शोर है। अगर आप चाहते हैं कि शोर नहीं है, प्रेस इसमें ज़्यादा है लेकिन इसमें शोर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किसी किस्म का शोर ना हो, तो फिर आप ये वाला पंच यूज़ करेंगे। ये हाथ वाला पंच है, इसको किसी किस्म का इसके अंदर शोर नहीं है इस तरीके से। और ये नीचे आएगा इस तरह, साबुन आपकी पंच कर देगा। इसी तरीके से ये जूस का सेटअप है और जेली का सेटअप है। और ये सीलर आपके सामने मौजूद है, ये सीलर है, ये लिक्विड मिक्सचर है। इसमें हार्बिक, फिनाइल, शैम्पू, इस तरह की मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे साबुन की, तो आज साबुन बनाया जा रहा है बहावलपुर से। भैया आए थे, इनको सिखा रहे हैं मुकम्मल। इंशाल्लाह आधा काम मुकम्मल हो चुका है और साथ साथ आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे मुकम्मल के साबुन बनता कैसे है। ठीक हो गया भाई जान? ठीक हो गया। मेरा नंबर है 0305-4015-941, 0305-4015-941। फिर मशीन हाँ जी, फिर कोई वेस्ट नहीं है, मतलब बड़ी जबरदस्त हो गई। इस तरह इसकी फिनिशिंग हो गई, कटर नहीं रखे हैं, जबरदस्त।
ये लास्ट प्रोसीजर इसका ये था, ये ग्लूमी शेप का एक खूबसूरत सा साबुन निकल के बाहर आ चुका है। ये हमारे साथ मौजूद है तुर्की वाले, जाहिद तुर्की वाले, राना जाहिद तुर्की वाले, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो आपने यहाँ पे साबुन बनता हुआ देखा, कैसा लगा? बड़ा ज़बरदस्त, सोचा नहीं था कि इतना आसानी ये साबुन बन सकेगा। और आप बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़ी मोहब्बत वाले हैं, अलीफ से लेकर ये तक। थैंक यू सो मच, आप सारा तरीका। शुक्रिया सर, शुक्रिया। क्या आपसे कोई फीस ली गई है यहाँ पे आने की, कोई सिखाने की? दो तीन दिन से खाना खा रहे हैं। वो तो मेरे मेहमान हैं। अच्छा, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई भी बेरोजगार है, अपना कारोबार करना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई इदारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे से तो अच्छा, यूट्यूब डालेंगे ना जी? भाई से ले लें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए सर? अल्हम्दुलिल्लाह। किस जगह से आए हैं? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए, साबुन के सिलसिले में आए हैं। हाँ, बस ये बिजनेस स्टार्ट वाले को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा था जी जी। तो फ्यूचर में अगर कोई प्लानिंग बने तो इसके लिए जो है ना कि जिधर गए यहाँ पे। आज से पहले कोई साबुन बनता हुआ देखा है आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। ये तो यहाँ पे खुद बनता हुआ देखा, क्या फील कर रहे हैं आप? ज़बरदस्त, सब अच्छा है। क्या आपसे कोई फीस ली गई है यहाँ पे आने की? तो आप भी अगर ये जो लोग ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, तो आपसे यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं ली जाती, आप भी आ सकते हैं। बिजनेस टॉक्स लाहौर सेंटर है और इसका एड्रेस है शेरशाह कॉलोनी रायवन रोड लाहौर में। बिल्कुल इजी एड्रेस भी इजी है और यहाँ पे जो है ना कॉपरेटर। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। दोस्तों अब मैं इजाज़त चाहूँगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।